वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के लिए आप लोगों के लिए हैं। कुछ अपडेट मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। अपनी प्रतिक्रिया आपको जरूर देनी है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, अटल उत्कृष्ट स्कूलों में खाली पदों पर गेस्ट टीचर जो है तैनात होने वाले हैं, इनकी भर्ती आने वाली है, ये आपको बता दूँ। और दूसरा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि 8 भर्तियों की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित हो गई है। और यहाँ पर वो भर्तियाँ कौन कौन सी हैं जिसकी जांच होनी है, वो 8 भर्तियाँ कौन कौन सी हैं। तीसरा ये है कि ANM में स्टाफ नर्स के 3624 पदों पर जल्द ही भर्ती आने वाली है। तो इन सभी चीज़ों पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर गेस्ट टीचरों की तैनाती होगी। इसके अलावा क्लस्टर विद्यालय योजना, डाइट नियमावली, सक्षम व्यक्तियों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को गोद लेने, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लंबे अवकाश, तबादले और सेवानिवृत्ति की स्थिति में काम चलाओ शिक्षकों की व्यवस्था सहित कुछ अन्य प्रस्ताव कैबिनेट में आएंगे। इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा महानिदेशालय में विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश के हर जिले में जाकर शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत शिक्षक संगठनों, अभिभावकों, संघों एवं छात्र छात्राओं से वार्ता करके शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए सुझाव लेंगे, जिसकी रिपोर्ट 2 सप्ताह में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। बैठक में मंत्री ने पात्र छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, जूते और यूनिफॉर्म की धनराशि DBT के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 2 विषयों में अंक सुधार परीक्षा के प्रस्ताव पर भी शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें इन्होंने ये फैसला किया इस बैठक में कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो भी खाली पद हैं उन पर गेस्ट टीचरों की भर्ती की जाएगी। और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है दोस्तों, आपको पता है 8 भर्तियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हो चुका है। पूर्व IAS एस एस रावत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों की जांच के लिए आयोग ने पूर्व IAS SS रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। यह समिति जल्द ही जांच करके आयोग को रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके आधार पर इन भर्तियों का भविष्य तय होगा कि इसमें आगे क्या होना है। दरअसल आपको पता ही है ये सारी चीज़ें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां ऐसी हैं जो अभी भी रद्द नहीं की गई हैं। कैबिनेट बैठक में 4 भर्तियाँ रद्द करने का फैसला हो चुका है, लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया है। तो सभी भर्तियों पर निर्णय लेने के लिए 18 अक्टूबर को आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई थी। बैठक में ये तय किया गया था कि सभी भर्तियों की हर पहलू से जांच हो जाएगी, मतलब जांच की जाएगी। तो इसमें ये किया गया है। और ये भर्तियां कौन कौन सी हैं, एक तो LT की भर्ती है जिसमें 1431 पद थे, उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक के जिसमें 600 पद थे, कनिष्ठ सहायक के 700 पदों वाली, पुलिस रैंकर्स भर्ती 250 पद, वाहन चालक भर्ती 164 पद, कर्मशाला अनुदेशक 157 पद, मत्स्य निरीक्षक 26 पद और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती 272 पद। तो इनकी जांच के लिए यहां पर समिति गठित हो चुकी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर लीक प्रकरण था उसमें 9 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है, ठीक है। उसमें से 5 आरोपियों को जमानत नहीं दी गई है, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब यहाँ पर स्टाफ नर्सों की अगर बात करें तो यहाँ पर 3624 पदों पर ये भर्ती जो है बहुत जल्दी आने वाले स्टाफ नर्सों की, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में लंबे समय से खाली चल रहे NM और स्टाफ नर्सों के 3624 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 664 पदों पर विभाग ने हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारी को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। बाकी ये सारे क्लिप आपको पता है, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं, जहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करूंगा कि आपने अभी तक UKPSC के द्वारा जो फॉर्म निकल रहे हैं वो लगातार आप भर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।